शमी, विराट और श्रेयस ने चेहरे पर मुस्कान दे दी। सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड को 70 रनों से मात दी थी। पीएम मोदी ने भी टीम का मनोबल बढ़ाया, शाबाशी दी। देश के कई दिग्गजों ने सोशल मीडिया के माध्यम से टीम की वाहवाही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बुधवार को खेला गया वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल शानदार रहा। ये मैच इतना रोमांचक था कि फैंस मुंह में उंगली दबाए बैठे थे, कब क्या हो जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई बार तो लगा कि टीम फंसने वाली है, लेकिन जितनी बार टीम फंसी उतनी बार मोहम्मद शमी ने टीम को बचा लिया। हालात ऐसे हो गए कि जब जब विकेट चाहिए हुआ तब तब शमी को बुलाया गया और उम्मीद पर पूरी तरह से खरे उतरते हुए मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लिए और टीम को शानदार 70 रनों से जीत दिलाई। हालांकि इस जीत में योगदान विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का भी कम नहीं रहा। कप्तान रोहित शर्मा ने भी टीम का बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया था। अब जब टीम एक टीम स्पिरिट के साथ खेलती है तो आप जानते ही हैं कि फिर तो इस टीम को कोई भी नहीं रोक सकता था, इस टीम की रफ्तार को कोई नहीं थाम सकता था। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शानदार जीत के लिए देश को बधाई देने से पीछे नहीं रहे। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को जीत पर बधाई देते हुए कहा, भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और शानदार अंदाज में फाइनल में प्रवेश किया। शानदार बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी ने हमारी टीम के लिए मैच पक्का कर दिया। फाइनल के लिए शुभकामनाएं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी टीम को बधाई दी और साथ ही ये भी कहा कि हमने फाइनल में बॉस की तरह प्रवेश किया। इसी तरह सीएम योगी ने भी शानदार जीत पर टीम को सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी और लिखा, ऐतिहासिक विजय। न्यूजीलैंड पर भारत की विराट विजय की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। इस शानदार जीत से त्योहारों की बेला को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी का हृदय ताल से अभिनंदन। फाइनल के लिए शुभकामनाएं। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस शानदार मौके पर टीम को बधाई दी। नवीन पटनायक ने कहा कि पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम को फाइनल में पहुंचने पर बधाई। रिकॉर्ड तोड़ 7 विकेट लेने का कारनामा कर मोहम्मद शमी ने टूर्नामेंट पर अजय क्रम जारी रखा, मेन ब्लू का मार्गदर्शन किया। फाइनल के लिए टीम को शुभकामनाएं। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी टीम को बधाई दी। उन्होंने टीम को शाबाशी भी दी और लिखा, शाबाश टीम इंडिया, पूरे खेल में टीम वर्क और कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन। विराट, अविश्वसनीय उपलब्धि के लिए बधाई, कप ले आओ लड़को। तो कुछ इस तरह से एक के बाद एक देश के बड़े से बड़े दिग्गजों ने टीम को उसके जज्बे के लिए और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 70 रनों की शानदार जीत के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने ही इंडिया के फाइनल्स में पहुंचने के लिए शुभकामनाएं तो दी ही, लेकिन जो जबरदस्त मैच टीम ने खेला उसके लिए भी उनका मनोबल बढ़ाया। इसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सभी ने टीम का मनोबल बढ़ाने का काम किया। वैसे आप टीम की इस शानदार जीत पर क्या कहेंगे? साथ ही फाइनल्स के लिए आप टीम को कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आप टीम की इस उपलब्धि पर और जिस तरह से देश के बड़े बड़े दिग्गजों ने टीम को शाबाशी दी उस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।